मध्य प्रदेश के आगर मालवा के रहने वाले नगर पालिका परिषद में ठेकेदारी करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रेस वार्ता कर लोकायुक्त डीएसपी पर कार्यवाही नहीं करने व सीएमओ पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में रितेश पिता महेश खंडेलवाल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि उसके द्वारा ग्वालीपुरा क्षेत्र में सीसी रोड का करीब 14 लाख रुपए का टेंडर लेकर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। नगरपालिका परिषद आगर द्वारा 8 लाख रुपयों का भुगतान किया जा चुका है। वहीं शेष राशि के भुगतान के लिए प्रकरण न परिषद में लंबित है। इस भुगतान को करने हेतु सीएमओ छिद्रा सिंह जाट द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत 14 अगस्त 2019 को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में की गई थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त में पदस्थ टीआई हितेश पाटिल ने आरक्षक हितेश ललावत को मेरे साथ आगर भेजा, जहां सीएमओ छिद्रा सिंह जाट ने 5,000 रुपए रिश्वत की मांग की और 2,000 रुपए मुझसे ले लिए। इसी दौरान लोकायुक्त द्वारा जो मुझे रिकॉर्ड दिया गया था उसमें टेप भी हो गई। इसके बाद रिश्वत के बचे 3,000 रुपए लेकर मैं लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन पहुंचा, जहां डीएसपी वेदांत शर्मा व टीआई हितेश पाटिल मिले। उनके साथ पंच भी थे, जिन्होंने 3,000 रुपए के नोटों पर कलर लगाकर मुझे वापस कर दिए। मैं डीएसपी वेदांत शर्मा की टीम के साथ आगर के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचने पर पता चला कि कलेक्ट्रेट में मीटिंग के लिए गए हुए हैं। बहुत देर बाद पता चला कि सीएमओ मीटिंग से सीधे देवास चले गए और उनका मोबाइल बंद आ रहा था। उसी दिन से सीएमओ मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं और मेरा भुगतान अभी भी लंबित है। अपने स्तर पर पूछताछ करने से पता चला कि सीएमओ जाट के द्वारा भारी भरकम धनराशि का भुगतान वेदांत शर्मा व उनकी टीम को किया गया है। यही कारण है कि सीएमओ के खिलाफ धारा 7 में एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बल्कि छापेमारी की सूचना भी उन्हें दे दी गई थी। जो प्रोसेस क्या है, उन्होंने मुझे एक वहाँ से पहले तो आवेदन लिया, फिर मेरे साथ एक जवान भेजा रिकॉर्डिंग कैमरा वो लेके ऑडियो रिकॉर्डिंग का, उनके साथ भेज के अगर मेरी उनसे लेन देन की बात की जिसमें 2,000 रुपये मेरे से सीएमओ ने भी लिए हाथों आती, वो चीज़ भी उसमें रिकॉर्डेड है। उसके बाद 3,000 रुपये बात थी तो सोमवार को देने की बात हुई कि मैं राखी के बाद सोमवार तक आपको दे दूँगा, तो उस दिन जिस दिन ये होके उसके बाद जब ये यहाँ है उसके बाद सोमवार को मेरे को उन्होंने बुलवाया यहाँ पर लोकायुक्त टीम यहाँ से फिर आगर गई साथ में मेरे पूरे नोट मंगाए, हाँ नोट लिए 3,000 रुपये उन्होंने 500 के उसमें केमिकल लगा के मेरी जेब में रखे और फिर मेरे साथ टीम गई। इस बीच वो टीएल बैठक जहाँ चल रही थी वहाँ टीएल बैठक से और सीएमओ वहाँ से अपने कलेक्ट्रेट से निकल गए और वहाँ हम लोग नगर पालिका उनका इंतजार करते रहे पूरी टीम के साथ। शाम तक जब नहीं आया पता चला कि वो निकल गए देवास और मोबाइल फ़ोन बंद है उनके, उसके बाद टीम वापस आ गई। कुछ दिन बाद मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने बोला कि अभी तो कुछ भी नहीं, वो आया नहीं हाथ में, जब आएगा अपन कार्रवाई करें। उसने किसने बताया आपको? ये डीएसपी साहब हैं, उन्होंने ही बताया। डीएसपी साहब का नाम है इसमें शर्मा जी हैं, कुछ वेदांत शर्मा जी। वैसे तो सीएमओ ने जो बोला कि इस तरीके की कार्रवाई होती रहती है क्योंकि सब पैसा देके और सब चल जाता है, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है उससे। इस हिसाब से ये चीज़ पता चली जब आज इतने महीने तक सीएमओ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो यदि लोकायुक्त प्रकरण दर्ज हो जाता है तो उस पर भी कार्रवाई है, सीएमओ पे भी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अब तक। यदि सीएमओ पे कार्रवाई नहीं हुई आपको लगता है लोकायुक्त के यहाँ से मुखबरी हुई है और उन्होंने बिल्कुल है ना उसमें लगता है कि उन्होंने पैसा लेके उन्होंने कार्रवाई नहीं करी।